नमस्कार, जंजवार में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल CAB पर, जिसे लेकर पिछले दिनों संसद में काफ़ी हंगामा हुआ। 4 दिसंबर को कैबिनेट ने ये कानून पास किया और उसके बाद संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल चुकी है। तमाम बवाल जो भी मचा इसे लेकर, उसके बीच सबसे बड़ा सवाल जो मुखर है वो ये है कि क्या सरकार को, भले ही उसके पास ताकत है, अब उसके पास संख्या बल है, लेकिन एक ऐसा कानून पास कराने की उसको नैतिक ताकत है, उसके पास नैतिक बल है जो भारत के संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और जो भारत के धर्मनिरपेक्ष जो स्वरूप है, सोसाइटी का कहिए या संविधान का कहिए, उसके खिलाफ है। ये क्यों भारत के संविधान को ये कानून चुनौती देता है या उसकी अवहेलना करता है या उसकी अवमानना करता है, इस पर हम बात करेंगे। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये भारत के धर्मनिरपेक्ष समाज के खिलाफ है और लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहली बात हम ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो CAB पास कराया गया है, जिसके बारे में अब समाचार पत्रों से लेकर तमाम वेबसाइट्स में और कई वीडियो ब्लॉग्स आप देख चुके होंगे अभी तक, उसका मूल उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य है कि तीन देशों में, ये तीन देश कौन से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों में जो माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ माइनॉरिटीज़ हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको भारत में शरण, जो अगर यहाँ पहुँच गए हैं वो लोग, या शरणार्थी हैं, या वो चाहते हैं हिंदुस्तान की सिटीजनशिप लेना, तो उनको मदद करना इसका उद्देश्य है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इन माइनॉरिटीज़ में हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन, इन सब के नाम तो हैं लेकिन मुस्लिम्स का नाम नहीं है। और इसके लिए सरकार ने जो तर्क दिए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल क्या है कि जब सरकार ऐसा कहती है कि हम इन माइनॉरिटीज़ को संरक्षण देंगे या उनको नागरिकता या रहने का अधिकार देंगे, लेकिन मुसलमानों को उसमें नहीं रखेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य जिसे कहिए, या बहुत बड़ी एक बहुत ही गलत बात है हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से। आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान का, वो साफ तौर पर समानता का अधिकार देता है। संविधान का पूरा ढांचा इस तरह का है, वो कहता है कि आप किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं करेंगे किसी भी जिसे कह सकते हैं धर्म के व्यक्ति को, या किसी भी जाति के आधार पर या किसी भी लिंग के आधार पर आप किसी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन ये कानून साफ तौर पर, जिसे संसद में न केवल सरकार ने पास कराया बल्कि जमकर उसके पक्ष में जो है दलीलें दी, वो साफ तौर पर कहता है कि मुस्लिम्स को ये अधिकार नहीं है। यानी कल अगर 10 लोग पकड़े जाते हैं और ये कहा जा सकता है कि भारत में इलीगल तरीके से आए हैं और उनमें से केवल 2 मुस्लिम हैं और 8 दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं, तो उन 8 के पास हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है, लेकिन उन 2 को घुसपैठिया मान के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। यही मोटे तौर पर कानून कहता है। इस बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए पहले हम आपको कुछ आवाज़ें सुनाते हैं हमारे संवाददाताओं ने जिनसे बात की, और उसके बाद फिर हम आपको आगे बात बताएंगे। हम लोग 2 टाइम इंडियंस हैं, एक बाई बर्थ हैं और एक बाई चॉइस हैं। हमारे बाप दादा इस मुल्क को छोड़ करके गए, पाकिस्तान गए, मगर हमसे ये वादा किया गया था और हम रुके। हमें इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत थी, इस मुल्क के दरख्तों से, इस मुल्क के इमारतों से मोहब्बत थी। हम नहीं गए मुल्क को छोड़ करके, मगर उसका सिलाज हमें क्या मिल रहा है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है, उसकी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के वहाँ का होम मिनिस्टर कहता है कि मैं सिख को, बुद्धिज़्म को और जैन्स को, इन तमाम लोगों को, 7 कम्युनिटीज़ को मैं मुल्क में लूँगा, मगर एक तबके को नहीं लूँगा। इस तरह से फैक्शन पैदा करने की साजिश हो रही है। चाहे 370 हो, चाहे ये हो या आने वाला कोई भी, उस पर विचार विमर्श होता है, एक्सपर्ट राय रखते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों उस पर सलाह करते हैं, राज्यसभा लोकसभा में पास होता है, उसके बाद भी उसमें कई खामियां निकल जाती हैं। आज बीजेपी के नेता लोग अंदर से बहुत खफा है, नाराज है, मगर बोल नहीं पा रहे, मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, बोल नहीं पा, बोलेंगे खत्म उनकी, ऐसा भी हो रहा, पैसे भी आ रहे, सब कुछ आ रहा है, इज्जत भी है, चलते हैं तो 4-6-10-20 पुलिस वाले भी चलते हैं, बॉडीगार्ड चलते हैं, उसे छिन जाएगा उनसे। तो आपको बात समझ में आ रही होगी इस वक्त कि ये जो है हिंदुस्तान के संविधान के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज को बांटने की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा अगर इसको इस तरह से स्वीकार किया जाता है।
अब महत्वपूर्ण बात क्या है, सरकार जो दलील दे रही है अगर हम उनको एक एक करके देखें, सरकार ने कहा कि ये विभाजन से जोड़ के बताया कि विभाजन जो है उसकी वजह से हमें एक कदम उठाना पड़ा। विभाजन के लिए उन्होंने जो दलील दी वो बिल्कुल जो तथ्य कहे वो बिल्कुल गलत थे कि विभाजन, उन्होंने कहा कि एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का नाम लेके कहा कि उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन कराया। ज़रूर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, पर यह कहना कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर विभाजन कराया ये भी गलत है। और कांग्रेस पार्टी, चाहे उसमें गांधी हों, नेहरू हों, ये तमाम नेता धर्म के आधार पर विभाजन का विरोध कर रहे थे। धर्म के आधार पर विभाजन की जो वकालत है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की, और उन्होंने टू नेशन की थ्योरी की बात की, और उससे पहले सावरकर जो हैं उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की थी, ये इतिहास हमें बताता है। लेकिन हम अगर इतिहास से छोड़ के वर्तमान पर आएँ तो देखें कि अगर विभाजन के आधार पर बात कर रहे हैं गृहमंत्री, विभाजन की वजह से ये बिल लाना पड़ा कह रहे हैं, तो फिर अफगानिस्तान को उन्होंने इसमें क्यों जोड़ा है? विभाजन तो भारत और पाकिस्तान का हुआ। और अगर वो धर्मों को शरण देने की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने मुस्लिम्स को इसमें बाहर क्यों रखा, और कुछ और जो धर्मों को है उसको क्यों नहीं जोड़ा, कुछ ही धर्मों का नाम क्यों लिया? मिसाल के तौर पर क्या पाकिस्तान में अहमदिया जो हैं वो उनको प्रताड़ित नहीं किया गया है धर्म के आधार पर, उनको परेशान नहीं किया जाता? क्या वो बहुत बदहाल ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं? या आप चले जाइए श्रीलंका में, श्रीलंका में आप देखिए जो तमिल्स हैं उनमें ज़्यादातर हिंदू हैं, क्या उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता? आप उनको क्यों नहीं साथ में लेंगे? फिर अगर आप बात करते हैं बांग्लादेश की बात करते हैं, तो वहाँ तस्लीमा नसरीन जैसे राइटर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में शरण ली है, क्या आप उनको नहीं देंगे जगह रहने के लिए? क्योंकि वो तो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जो हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, उन्हीं के द्वारा सताई गई हैं। इसी तरह से म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या मुस्लिम, जिनके लिए खुले तौर पर बड़ी छाती ठोक कर कह रही है सरकार कि इनको जगह नहीं देंगे, उनको आप क्यों जगह नहीं देंगे अगर आप शरणार्थी की बात कर रहे हैं? इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने एक बयान दिया, और उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस बिल को, ये बिल पास होता है संसद से और राष्ट्रपति इस पर अपनी मोहर लगाते हैं, तो उसके बाद मैं सरकारी कागजों में हर जगह मुस्लिम बनकर अपने आप को पेश करूंगा और कोई कागजात नहीं दिखाऊंगा। और हर्ष मंदर ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो इस वक्त गांधी को इन्वोक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जो हैं उनका ये कहना था कि जब सरकार, चाहे वो कोई सरकार हो, अगर ऐसा कानून बनाती है जिस कानून से आपको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और वो मानवता के खिलाफ है, तो फिर आप सविनय अवज्ञा करें, यानी बिना हिंसा के आप डिसोबीडियंस करें, सिविल डिसोबीडियंस करें, और ये कहें कि मैं इस कानून को नहीं मानता। महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी ने इस कानून को मानने से, ऐसे कानूनों को मानने से इनकार हिंदुस्तान में करने से पहले इस प्रयोग को दक्षिण अफ्रीका में भी किया, जहां उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के उन कानूनों को नहीं मानते जो विरोध करते हैं। तो मैंने इस बारे में बातचीत की, और संक्षेप में हम आपको उस बातचीत का एक अंश सुनाते हैं हर्ष मंदर से। हम जानते हैं कि RSS हिंदू महासभा का 100 साल का हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन में का हिस्सा रहे, और उन्होंने कभी भी मुसलमान को बराबर के नागरिक की हैसियत को नहीं माना है। गोवलकर ने खुद कहा है कि इस देश के मुस्लिम और क्रिश्चियन अपने आप को दूसरे श्रेणी के शहरी के तौर पे देखें। उन्होंने हिटलर का सम्मान किया है, और उस तरह का देश चाहते हैं जहाँ पे धर्म के आधार पे बंटवारा हो, और उसका सामना मैं करता हूँ। तो मैं अपना धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरा ऐसा कोई, मेरा धर्म वैसे भी मैं इंसानियत के धर्म को ही मानता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं सरकारी कागजों में घोषित करूँगा कि आप मुझे मुसलमान माने, और मुसलमान होने के बाद मैं कागज़ नहीं प्रस्तुत करूँगा, और फिर जो डिटेंशन सेंटर में या नागरिकता के हक से वापस लेना है वो मैं स्वीकार करूँ। तो हर्ष मंदर ने जो कहा वो आपने सुना, और इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत ये है हिंदुस्तान के ढांचे को देखते हुए, हिंदुस्तान की अलग अलग धर्मों का, अलग अलग संप्रदायों का, अलग अलग अकीदों का ये मुल्क है, इसको देखते हुए कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स इस बात को कहें कि वो मुस्लिम्स के साथ खड़े हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने ये देखा 1984 में किस तरह से कांग्रेस के नेताओं की सरपरस्ती में जो है इस देश के अंदर सिखों का नरसंहार कराया गया, और फिर वो सारे नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, और वो पार्टी, वो नेता जीत कर जो उस नरसंहार की सरपरस्ती कर रहे थे, उसकी अगुवाई कर रहे थे, उन दंगाइयों को भड़का रहे थे, दंगों में एक्टिवली हिस्सा ले रहे थे, उन लोगों
को संसद में आने का मौका दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियां साफ सुथरी हैं, लेकिन अभी जो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है यानी सरकार की ओर से किया जा रहा है वो ज़्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो संसद के रास्ते से किया जा रहा है। आप एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिस कानून में एक धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए या उनको सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाने का रास्ता खुल रहा है। अब हम एक बात इससे हट के दूसरी हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि आपने देखा कि कश्मीर में पूरा साल होने को है, 5 महीना पूरा हो जाएगा इस साल के अंत में, और कश्मीर में अभी तक लॉकडाउन की स्थिति है, यानी 70 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने बंद कर दिया है वैली में, और उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बहुत इलाकों में फ़ोन की सुविधा नहीं है। और हमें ये खबर सुनने को मिल रही है कि वहाँ पर ये खबर छप गई है, यानी कि ये खबर अब जो है वो पब्लिक डोमेन में है, कि वहाँ पत्रकारों को दूरदराज के इलाकों में पत्रकारों को मैनुअल लेबर का काम करना पड़ रहा है, यानी मजदूरी करनी पड़ रही है। तो अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इस बात को मैंने इस कार्यक्रम में इसलिए कहा क्योंकि इससे जुड़ता है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट पिछले कुछ दिनों से जलना शुरू हो गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सरकार ने कहा कि वो इनर लाइन परमिट जिन राज्यों में है उन राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेगी, लेकिन जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट नहीं है वहां पर इस बात को लेकर विरोध होने लगा है कि यह कानून क्यों लाया जा रहा है। उनका डर क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से दिखाया जाता है, जब एनआरसी लाया गया और आसाम में एनआरसी कराया गया तो सरकार के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए वो बैकफायर हो गया। क्यों बैकफायर हुआ? क्योंकि उसमें जितने लोग एनआरसी से बाहर हुए उनमें से ज़्यादातर हिंदू थे, मुस्लिम नहीं थे, और उस वजह से अब नेशनल जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद गृहमंत्री हमारे कह रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह का अभियान होगा एनआरसी, जिसमें कि घुसपैठियों को पकड़ के निकाला जाएगा। अब सबको तो आप शरणार्थी बना रहे हैं, तो घुसपैठिया रहेगा कौन? केवल एक धर्म के व्यक्ति, एक धर्म के लोग, मुस्लिम्स। बाकी लोगों को तो आप खुशी खुशी यहां रहने का अधिकार दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आसाम में जो आंदोलन चला 1980 के दशक के बाद से सबसे ज़्यादा इस वक्त वहाँ पर ऐसे आंदोलन कभी नहीं दिखाई दिए। ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट जो है वो पीसफुल सिचुएशन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट एक बार फिर से जलने लगा है। आसाम के लोगों को विरोध इस बात से, मुस्लिमों से नहीं है, उनको विरोध है बंगाली जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों। जब वो फॉरेनर की बात करते हैं तो वो बंगाली और हिंदू और बंगाली मुस्लिम दोनों का विरोध करते हैं। उस वक्त केवल मुस्लिम धर्म से उनकी दिक्कत नहीं है, बाहर वालों से दिक्कत है। उन्हें यह डर लग रहा है कि इस कानून के बाद जितने लोग बांग्लादेश से या दूसरी जगहों से हिंदू आए हुए हैं वहाँ पर, उनको सेटल होने का सरकार मौका दे रही है और इससे उनकी डेमोग्राफी बिगड़ रही है। यह भी समझने की ज़रूरत है कि सरकार एक बार फिर से इनर लाइन परमिट वहाँ लाने की बात कर रही है इन जगहों में, जिन जगहों से इनर लाइन परमिट हटा दिया गया है। यानी क्या हम आगे बढ़ने के बजाय अपने जो मुस्तकबिल की जो गाड़ी है उसको खींच के पीछे ले जाना चाहते हैं? हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या पीछे हटाना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन चीज़ों को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में जो बातें चलाई जा रही हैं उन पर विचार करने से पहले सोचिए कि आप कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। नौकरियाँ चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, यहाँ पर तरक्की चाहते हैं, या आप इस तरह का हंगामा चाहते हैं जो केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर होने वाला है? ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं समझने की, और इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, त्रिपुरा में AFSPA जो है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो एफ्सपा जिसे कहा जाता है, उसको हटा दिया गया था। कितनी खूबसूरत बात एक हुई थी कि एफ्सपा हटा दिया गया था, लेकिन आज जो है त्रिपुरा फिर से जलने लगा है। जहां इंसर्जेंसी नहीं थी उनको भी इसी बात का डर है। तो इनर जो लाइन परमिट है इस बारे में आप देखिए, शेखर गुप्ता ने द प्रिंट पर एक बहुत अच्छा वीडियो किया है, इसके अलावा अनिंद्य चक्रवर्ती ने NDTV पर एक बहुत अच्छा लेख लिखा है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से कैब जो है उसकी सवारी मुस्लिम्स के छोड़कर बाकी सारे लोग कर पाएंगे वही नहीं कर पाएंगे। जाने माने जो वकील हैं गौतम भाटिया, उन्होंने जो है इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें आपको इसके खतरे समझाए हैं। स्क्रोल वेबसाइट है, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, उसको देखिए समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए अगर आप कानून को नहीं पढ़ सकते हैं। और हम आपको फिर आखिर में यही कहना चाहेंगे कि इस कानून का विरोध करने की ज़रूरत तमाम धर्मनिरपेक्ष लोगों को है, तमाम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को इसलिए है क्योंकि ये कानून बहुत बड़ी एक असंवैधानिक बात करता है, हिंदुस्तान के जो पूरी परिकल्पना है उसके खिलाफ है। आने वाले अगले कार्यक्रम में आपसे फिर किसी एक मुद्दे को लेकर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।